स्वागत है दोस्तों हिटमैन की धमाकेदार गेम प्ले वीडियो में। सो गाइस, आज हम यानी कि एजेंट 47 जाने वाला है मोरक्को में, क्योंकि भाई मोरक्को के अंदर ना सीरियस मैटर हो रखा है, समझ रहे हो तुम? दंगे हो रखे हैं उधर, और दंगे क्यों हो रखे हैं वो मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगा। उससे पहले मैं तुम सबको बता देता हूँ कि भाई आज हमें किसको मारने की सुपारी मिली है। तो भाई आज ना दो बंदे हैं जो कि दोनों खतरनाक है, समझ रहे हो तुम? भाई जो पहला बंदा है ना, मोरक्को के अंदर प्राइवेट बैंक का सीईओ है, जिसने भाई मोरक्कन लोगों का ना पैसा चुरा के घपलेबाजी कर रखी है पूरी। और भाई छोटे मोटे पैसे भी नहीं बल्कि बिलियंस डॉलर्स के अंदर। और उस प्राइवेट बैंक के सीईओ का नाम है क्लॉस स्ट्रैंडबर्ग। और वैसे तो इस बंदे पे कोर्ट केस भी चल रहा है, तो भाई ये कोर्ट वगैरह जाता रहता है। लेकिन भाई एक दिन ना जब इसको प्रिजन शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो बीच के अंदर कोई हेल्प कर देता है इसकी वहां से भागने में, समझ रहे हो तुम? और इसी सीन के अंदर भाई जो मोरक्कन पुलिस ऑफिसर्स होते हैं ना, वो भी अपनी जान गंवा देते हैं। तो इसी वजह से सारे मोरक्कन पीपल है ना जो भाई, वो सड़कों पर आ गए हैं प्रोटेस्ट के लिए। तो भाई ये तो है उस प्राइवेट बैंक के सीईओ का सीन। और जो दूसरा बंदा है जिसको मारने की सुपारी मिली हमें, उसका नाम है रिजा जिदान। वो बंदा एक आर्मी ऑफिसर है, और भाई वो नॉर्मल आर्मी ऑफिसर नहीं है, बल्कि वो पूरे मोरक्को देश के अंदर ना मिलिट्री रूल लाना चाहता है, गवर्नमेंट को हटाकर पूरी डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी करना चाहता है वो। और भाई हमारी एजेंसी ने बताया कि जो वो था ना प्राइवेट बैंक का सीईओ, उसकी भागने में मदद रिजा जिदान ने करी है। और भाई अभी तक तो रिजा जिदान का सारा प्लान ना सक्सेसफुल रहा है, समझ रहे हो तुम? उसने दंगे करवा दिए ताकि जो गवर्नमेंट है वो सारी ढीली पड़ जाए और वो आराम से मिलिट्री रूल लगा सके अपना मोरक्को के अंदर। लेकिन भाई अब आ चुका है एजेंट 47 इधर, समझ रहे हो तुम? इन दोनों की ऐसी तैसी कर देंगे भाई, टपका देंगे। सो गाइस, मैंने तुम्हें सारा सीन समझा दिया है, अब बिना देरी करे चलते हैं सीधा अपने मिशन के अंदर। और अब तुम आराम से बैठो और वीडियो को एंड तक देखो। और ऐसी मजेदार गेम प्ले वीडियो देखने के लिए तुम्हें क्या करना भाई, सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब। सो लेट्स गो। ये लो गाइस, मैं आ चुका हूँ मैराकेश मोरक्को में, ठीक है? ये देखो भाई, यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है तगड़े वाला। अब सीन क्या है मुझे देखना पड़ेगा, रुक जाओ। कहाँ जाना है? अच्छा, एक बंदा उधर है और एक वहाँ है, लेट्स गो। अभी फिलहाल का तो सीन कुछ ऐसा चल रहा है इधर, ये देखो फुल भीड़ लगी पड़ी है। ओ भाई साहब, ये तो कोई दुकान है बे, है बे? ये कोई मार्केट वगैरह है क्या? यहाँ से मुझे जाना कहाँ है? देखना पड़ेगा भाई। हटो भाई, हटो, सारे के सारे हटो। मिशन स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे अपना। क्या तगड़ा लग रहा है अपना बंदा, देख रहे हो भाई तुम? ओ भाई साहब, मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, मार्केट तो है ठीक है, तो ये ऑफिसर क्या कर रहा है इधर? है बे पुलिस वाले? देखो भाई, ये जो एरिया ना पुलिस के लिए है सिर्फ, यहाँ मैं नहीं जा सकता हूँ, ये अंदर चल कर देखता हूँ। ये क्या है बे? रुक जाओ, कुछ चीज पता लगी है मेरे को इधर। तो भाई यहाँ पर ना मुझे एक चीज पता चली है, जो जिदान है ना वो एक पुराना स्कूल यूज कर रहा है अपने लिए, जहाँ पे वो सारे ऑपरेशन वगैरह कर रहा है। तो यहाँ पर ना मुझे इनका ना कोई ओल्ड वो है प्रिंसिपल, इससे मुझे चाबी वगैरह मिल सकती है, जिससे कि मेरे को बहुत फायदा होगा उधर। रुक जाओ, ऊपर चल के देखते हैं। हेडमास्टर की चाबी मिल जाए तो सारे गेट खोल पाऊंगा मैं उस स्कूल के। रुक जाओ, यही वो हेडमास्टर है, ठीक है, इसको पेलना पड़ेगा, इस भाई को पेलना पड़ेगा। हाँ भाई, क्या हाल है? निकल यहाँ से, चल हट। मुझे लगता है यही हेल्प कर रहा है जिदान वगैरह की, इसके पहले कपड़े बदलता हूँ। ये लो, अब कुछ चाबी वगैरह पड़ी है इधर। भाई यहाँ पे चाबी मिल चुकी है मुझे, लेट्स गो। और जरा इसको छुपा देता हूँ पहले, तो आ जा भाई, यहाँ पे सही रहेगा, लेट्स गो। चलो, हेडमास्टर बन चुका हूँ मैं, ठीक है, चलते हैं अब इधर से। अब इतनी यहाँ से तो कल्टी मार लो भाई, ये पहचान रहे हैं मेरे को। रुक जाओ, निकलना पड़ेगा इधर से, पुलिस वाला ही बनना पड़ेगा। रुक जाओ भाई, इस बंदे का पीछा कर रहा हूँ मैं, जरा खाली सी जगह पे जाएगा ना, टपकाना पड़ेगा इसको। आ जा भाई कहीं तो आ जा, यहाँ पर तो मैं टपका नहीं सकता इतनी भीड़ में, पंगे हो जाएंगे। और यहाँ पर दो बंदे हैं, ठीक है, रुक जाओ। और यहाँ पर अकेला है क्या? काश अकेला हो ना। यहाँ पर ये दो बंदे हैं, ठीक है, मैं जरा इसके पीछे जा रहा हूँ, लेट्स गो। यहाँ छुप रहा हूँ मैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, तू अंदर जा दुकान के, निकल यहाँ से, आ जा आ जा आ जा आ जा, पूरा पेल दे। पहले जैसे कपड़े लेता हूँ, ठीक है, इसको उठाता हूँ इधर से अब। अबे तेरी, सही मार दिया भाई इसको तो। अबे उधर बंदा है, रुक जाओ, इसको छुपाने की जगह ढूंढनी पड़ेगी पहले, अभी तो यहीं रख रहा हूँ फिलहाल इसे मैं। ला भाई गन दे दे, मुझे ये बंदा नहीं जानता अब, और ना ही ये जानते हैं। चलो भाई, यहाँ पर मैंने आर्मी वालों को तो बेस बदल लिया है, ठीक है, मैं जा सकता हूँ इधर, लेट्स गो, सही काम हो रखा है। और यही शायद वो स्कूल है, इसकी चाबी तो मुझे मिल चुकी है। देखो सामने है वो भाई साहब, जनरल ऑफिसर, ये मेरे को नहीं जानते हैं, लेट्स गो, छुपके जाना पड़ेगा। इधर तो कोई नहीं जानता मेरे को, सिर्फ एक बंदा जानता है, ये भी ठीक है। ये देखो भाई, ये खतरनाक सा जर्नल है, सबको चेक कर रहा है ये। चलो, इसका मुंह उस तरफ है, मैं निकलता हूँ जरा इधर से, ठीक है, उसने पहचाना नहीं मेरे को फिलहाल तो। यहाँ से एंट्री ले सकता हूँ मैं स्कूल के अंदर, लेट्स गो भाई, आ जा, चाबी है मेरे पास भाई, यूज करो इसे। ये देखो, सही है भाई, हेडमास्टर को पहले ही मार दिया था। चलो भाई, उस रिजा जिदान को ढूंढना है अब। भाई ये देखो, ऐसा स्कूल है ये, क्या हालात बना दिए इधर के, स्कूल को भाई साहब मिलिट्री कैंप बना दिया उन्होंने पूरा, ये देखो। वो मुझे जानता है, रुक जा, यहाँ से घुस जाता हूँ अंदर, ठीक है, निकलता हूँ जल्दी से, पहचान ना ले मेरे को कोई। चलो, यहाँ तो मुझे कोई नहीं जानता फिलहाल, ठीक है। वो बंदा कहाँ पर है? ऊपर वाले फ्लोर पे है वो, ठीक है। चलो, यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, चलते हैं जरा ऊपर, ठीक है। ये मेरे को नहीं जानता, नहीं जानता, बहुत सही,
लेकिन भाई जो यहाँ खड़ा है ना इधर, ये बंदा ये मेरे को जानता है इधर। ये भाई तुम देख रहे हो, मैं तो अभी हरी टोपी वाला हूँ, ये लाल टोपी वाले ना खतरनाक बंदे हैं, तो शायद मेरे को लगता है ये बन जाना चाहिए मुझे पहले। तो भाई ऊपर तो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए वो लाल वाला ऑफिसर बनना, मैं जरा नीचे आ चुका हूँ। ये देखो इधर है कि ठीक है, इसके साथ एक सोल्जर और है। रुक जाओ अब मैं जाऊँगा अंदर, गेट बंद कर दिया मैंने, आ जा निकल यहाँ से। ठीक है इसे कपड़े ले लेता हूँ पहले, तो आ जा। और ये जा रहा है उधर, बहुत सही, इसको ही मरना पड़ेगा अब, निकल यहाँ से, आ जा तू। भाई बहुत सही मारा मैंने, क्योंकि ऊपर तो मुझे कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा था मारने का। ठीक है अब देखता हूँ मुझे यहाँ पे कौन पहचानता है। ठीक है ये भी पहचानता है भाई साहब, ये जिदान पहचानता है मेरे को। ओ भाई तेरी ये क्या सीन है भाई, अब कैसे पहचानता है मेरे को ये भाई? जो जिदान है ना वो इस कमरे में अकेला रहता है और यहाँ पर इसको ऑफिसर खड़ा रहता है, अगर मैं इसको ही पेल दूँ तो काम ही ना बन जाए मेरा। रुक जाओ कुछ तो ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है ये देखो ये जिदान यहाँ से बाहर जा रहा है, वो सैल्यूट मार रहा उसको। जो जिदान है ना वो इस कमरे के अंदर गया फिलहाल, तो यहाँ से बाहर तो नहीं आ रहा। आ रहा है भैंस क्या, रुक जाओ ये देखो सैल्यूट मार रहा है मेरे को ये। ओ भाई साहब इसको पहले इधर बुला लेता हूँ, आजा आजा लड़के इधर आजा, आजा भाई आन दो इसको, आन दो, चेक करने तो आएगा ना भाई तू। आ तो रहा है, कोई तो आ रहा है, आ गया ये, आ चुका ऑफिसर, निकल यहाँ से, हट जा, हो गया इसका तो काम पूरा। ठीक है भाई चलो, जो मेन वाला था उसको तो मैंने यहाँ पे पेल दिया है, अब मैं ना इस कमरे में वेट करूंगा जिदान का आने का। आ जा भाई तू, इसका भूतना बना दिया ना मैंने। ये देखो इसकी टेबल पे कुछ पड़ा है, जरा देखता हूँ क्या सीन है ये। भाई कुछ चीज पता चली मेरे को इधर, भाई ये कोई सीक्रेट जगह है समझ रहे हो तुम, जहाँ पे जिदान और स्टैंडबर्ग मिलने वाले हैं, कुछ अंडरग्राउंड सी जगह है वो। ठीक है नई चीज यहाँ पे पता चल चुकी है मेरे को, लेकिन भाई उस हनीकॉम तक पहुंचने के लिए ना मेरे को कोई सीक्रेट कोड चाहिए। रुक जाओ जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है मुझे। ठीक है अंदर जा सकता हूँ भाई मैं, हटोगे जरा सर, यहाँ पे सब सो रहे हैं भैंस की। सामान उठाता हूँ पहले, तो क्या है ये? ये रहा भाई वो सीक्रेट कोड, ये है 217। लेट्स गो भाई, अब मैं जरा जिदान का वेट करूंगा उस कमरे में वापस आने का। आ जा भाई तू। ये क्या है भाई, जो कोड मुझे मिला था ना वो इसको यहाँ यूज करना है। ठीक है रुक जाओ, खुल तो गया है। हाँ भाई क्या सीन है ये, कोड वर्ड हनीकॉम का कोड है। देखो भाई यहाँ पे कोड मुझे मिल चुका है, यहाँ पर मुझे कॉल मिलाना है स्टैंडबर्ग को। तुम्हें पता ही है भाई जो हमारी एजेंसी है ना, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि भाई साहब जो ये जिदान है ना इसने हेल्प करी उसके भागने में। चलो हाँ भाई स्टैंडबर्ग, ठीक है हनीकॉम में मिलना है तेरे को। अच्छा ये उसका वो था कोई मैनेजर वगैरह, उसको बता दिया कि मैं हनीकॉम में मिलना है हमें। ये देखो भाई जिदान आने वाला है, सारी छानबीन करने गया है वो, और मैं उसको इस कमरे में पेल दूंगा। ये देखो भाई जिदान यहाँ पर आ रहा है, मैं जरा छुप जाता हूँ पहले तो इधर। लेट्स गो, यहाँ छुप चुका हूँ मैं। ठीक है आ जा भाई, आ जा अपने कमरे में आ जा, तेरी मौत इंतजार कर रही है इधर। तू मिलिट्री रूल चलाएगा है वे, तेरी भैंस क्या, आ जा तू, डिक्टेटरशिप करेगा तू इधर, बड़ा चौड़ा हो रहा है। आ जाओ सर, निकलो यहाँ से। ठीक है इसकी बॉडी जल्दी से इधर कर देता हूँ, यहाँ पर ठीक है इसकी बॉडी इधर। ठीक है भाई चलो, पूरा मार दिया मैंने इसको। ठीक है रुक जाओ, पहले मैं इसकी बॉडी छुपा देता हूँ, फिर चलते हैं भाई साहब स्टैंडबर्ग से मिलने हनीकॉम में। चलो चलो भाई इसका काम हो चुका है इधर, अब मैं जरा यहाँ से छुपके से निकल लेता हूँ, अंडरग्राउंड चलना है अब हमें हनीकॉम में। ठीक है यहाँ मुझे कोई नहीं जानता है। हाँ भाई सर हूँ तुम्हारा। ठीक है चलो, देखो भाई यहाँ से मैं नॉर्मल बन के गया था इधर मिलिट्री वाला, और अब मैं ऑफिसर बन के आ रहा हूँ तगड़े वाला। ओ भाई तेरी, हाँ भाई पहचानता मेरे को, सैल्यूट नहीं मारेगा तेरी ऐसी की तैसी। अब मुझे जरा जाना है किसी अंडरग्राउंड। ये क्या भाई रुक जाओ, स्टैंडबर्ग कहाँ है? अच्छा इधर है, वो अंडरग्राउंड में वेट कर रहा है क्या मेरा? रुक जाओ चलते हैं, वो स्टैंडबर्ग मेरा यही वेट कर रहा है। ये देखो भाई हनीकॉम के अंदर मैं आ चुका हूँ। हाँ भाई जनरल जिदान तो मर चुका है भाई, क्या फोन मिला रहा उसको, चल छोड़ रहने दे भाई। यहाँ पे स्टैंडबर्ग तो आ चुका है, ठीक है, और यहाँ पर देखो एक ये ऑफिसर है, एक ये और एक यहाँ पर खड़ा है। ठीक है पहले तो मेरे को इनको टपकाना पड़ेगा। हाँ भाई इसका थोपड़ा देखता रहेगा, चलेगा अभी इधर से। हाँ भाई यूटर्न मार ले इधर से। ओ हेलो, ओ भाई चलो ठीक है आ जा, पहले तो इसको ही पेलूँगा। निकलो भैया, निकलो निकलो निकलो, हो गया आपका काम, एक का तो काम हो चुका है, आपकी मौत आ चुकी है इधर। देख रहे हो शक्ल, देख मेरी, हाँ देख ले शक्ल, देख ले मरने वाला तू। और ये है शॉटगन पड़ी है इधर, यहाँ पे रिमोट एक्सप्लोसिव, एक रिमोट एक्सप्लोसिव उठा लेता हूँ मैं, जरा रिमोट एक्सप्लोसिव इधर लगाऊंगा। ये लो यहाँ पर मैंने लगा दिया, ठीक है रिमोट मेरे हाथ में है, रुक जाओ हाँ चेक कर उधर जाके, जा फोड़ूंगा नहीं लेकिन मैं अभी, रुक जाओ इसको चेक करने दो, इसको आराम से मार ही देता हूँ इधर। ये ले निकल यहाँ से, अब मैंने जो रिमोट एक्सप्लोसिव लगा रखा था ना उसको यहाँ से फोड़ूंगा, क्योंकि ये बंदा तो टैबलेट में ही लगा रहेगा। लेट्स गो, ये देखो काम हो चुका है, ठीक है इसकी हेल्प करने लगता भागने में। आ जाओ रुक जाओ, मैं गन बाहर निकाल लेता हूँ पहले, ठीक है ऐसा लगेगा मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ। चलो चलो भाई चलो, आ रहा हूँ मैं तुम्हारे पीछे,
लेके चलो इसे, लेके चलो। कहाँ तक भागेगा ये बता पहले तो। अबे तेरी, इसको यहाँ पे छुपा दिया। चलो भाई चलो, आ जाओ लेके चलो इसे। इनके साथ खेल तो मैं बहुत लिया, ठीक है। अब मैं जरा अपनी पिस्टल निकाल लेता हूँ, लेट्स गो। अब पेलूंगा मैं इन सबको, रुक जाओ। एक, दो, तीन, निकल यहाँ से। चलो खत्म हो चुका मामला, ठीक है। अब जरा एग्जिट ढूंढते हैं, लेट्स गो। चलो भाई काम हो चुका है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखो भाई, लोगों की भीड़ के अंदर मैं आ चुका हूँ। चलो भाई यहाँ से अब एग्जिट मारेंगे अपना, मस्त तगड़ा वाला मिशन हो चुका है। चलो लेट्स गो भाई। ये देखो भाई, ये निकल चुका है अपना बंदा एजेंट 47, तवाई बचा के सही उल्लू बनाया भाई मैंने उन्हें। ऑल राइट गाइस, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।